Hello guys, I am Lokesh Kumar Sharma from Bharadwaj Engineering Chemistry Classes. Students, यदि आपने अभी तक हमारे Engineering Chemistry और Environmental Engineering for Civil 6 SEM के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके वॉच कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्लास। देखिए, हम पिछले लेक्चर में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एनीलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके उस लेक्चर को जरूर देखें। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हमारा कंटेंट रहेगा उसमें सोडा लाइम ग्लास या हम कह सकते हैं सॉफ्ट ग्लास, पोटास लाइम ग्लास या हम कह सकते हैं हार्ड ग्लास, लेड ग्लास या हम कह सकते हैं फ्लंट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास या हम कह सकते हैं उसको पायरेक्स या जेना ग्लास, और लास्ट वन इज ग्लास वूल। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ग्लास में 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पार्ट ए में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 25 वर्ड्स में लिखना होता है। इसमें केवल आपको केमिकल कंपोजिशन, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को शॉर्ट में लिखना होता है। पार्ट ए स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग भी होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सोडा लाइम ग्लास का, या हम उसको कहते हैं सॉफ्ट ग्लास। देखिए, सोडा लाइम ग्लास एक ऑर्डिनरी ग्लास है जिसमें सोडियम ऑक्साइड को सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। मींस Na2O को सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन का। देखिए, सोडा लाइम ग्लास को सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और SiO2 के फ्यूजन से बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस रिलीज होता है। अब यदि हम इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो Na2O.CaO.SiO2 होता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडा लाइम ग्लास। देखिए, इस टाइप के ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कॉस्ट लो होता है, रेसिस्टेंस टू वाटर एंड डेविट्रिफिकेशन एंड अटैक्ड बाय रिएजेंट्स मींस एसिड्स का इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस का। देखिए, इट्स यूज्ड फॉर विंडो ग्लास, प्लेट ग्लास, बोतल ग्लास, चीप किचन वेयर्स एंड लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स। द नेक्स्ट वन इज पोटास लाइम ग्लास और वी कैन से हार्ड ग्लास। बात करते हैं इसके प्रिपरेशन का। देखिए, पोटास लाइम ग्लास को कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड SiO2 के फ्यूजन से प्रिपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मूला K2O.CaO.6SiO2 होता है। इसके मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से मेल्ट होने में प्रॉब्लम होता है। बात करते हैं पोटास लाइम के प्रॉपर्टीज का। देखिए, पोटास लाइम ग्लास हार्ड होता है ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मोर कॉस्टली होता है, ये रिएजेंट से मोर रेसिस्टेंस होता है। बात करते हैं पोटास लाइम ग्लास के यूजेस का। देखिए, इसका यूज हीटिंग एपरेटस में किया जाता है एज ए कंबस्टन ट्यूब्स। द नेक्स्ट वन इज लेड ग्लास और वी कैन से फ्लंट ग्लास। देखिए, लेड ग्लास को K2CO3, रेड लेड मींस Pb3O4 और SiO2 के फ्यूजन से प्रिपेयर किया जाता है। इसका जनरल केमिकल कंपोजिशन K2O.PbO.6SiO2 होता है। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज का। देखिए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हायर होता है, ये सॉफ्ट होता है, इसके रीजन से इस पर शेपिंग और वर्किंग इजीली होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है। बात करते हैं इसके यूजेस का। देखिए, इससे ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक प्रिज्म और लेंस बनाए जाते हैं। विंडोज में एक्सरेज, गामा रेज एंड अदर हार्मफुल रेज के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको कैथोड रेज ट्यूब्स, नियोन ट्यूब्स एंड आर्ट में यूज किया जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज बोरोसिलिकेट ग्लास और वी कैन से पायरेक्स ग्लास।
बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रिपरेशन B2O3 मीन्स बोरोन ट्राइऑक्साइड, इसमें सिलिका 80%, Al2O3, K2O एंड Na2O के केमिकल कंपोजिशन से प्रिपेयर होता है। इसका जनरल केमिकल कंपोजिशन SiO2.B2O3.Al2O3.K2O.Na2O होता है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज का। देखिए, इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट हाई होता है, केमिकल रेसिस्टेंस हाई होता है एंड लो थर्मल कोफिशियंट। बात करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के यूजेस का। देखिए, बोरोसिलिकेट ग्लास बेस्ट क्वालिटी लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स और अपरेटस बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ ही इसको टेलीविजन के ट्यूब्स, इंसुलेटर्स, किचनवेयर्स और पाइपलाइंस में यूज किया जाता है। नंबर 5 इज ग्लास वूल। देखिए, ग्लास वूल वूल के फॉर्म में ग्लास होता है। इसका प्रिपरेशन फोर्सिंग मोल्टन मास ऑफ ग्लास थ्रू स्मॉल होल्स किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में ग्लास फाइबर को रिवॉल्विंग ड्रम की हेल्प से वूल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यदि हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फायर प्रूफ और हीट प्रूफ होता है। इसका इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। मॉइस्चर और केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बात करते हैं इसके यूजेस का। देखिए, इसका यूज इंडस्ट्री में ओवंस में, मफल फर्नेस में, इंसुलेशन में, वैक्यूम क्लीनर्स में, फिल्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स में एंड फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और डिजायर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।